हेलो एवरीवन, आज है 15 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। उसके अलावा कुछ और कंपनियों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 73 रुपीज़ का शेयर है सुजलॉन का और गिरावट आई है, आज भी तकरीबन 1.5% का फॉल है। एक महीने में देखो तो लगातार गिरा है, 85 रुपये से लगातार गिरा, 70 रुपये गया वापस, 2 दिन इसने तेज़ी दिखाई थी, अच्छी रफ्तार थी, 70 से भाई साहब 76 पे गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लगातार पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से ये गिरता ही जा रहा है। तो कह सकते हैं एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है, हालांकि पिछले 1 साल में खूब पैसा बना कर भी दिया है, 160% का ग्रोथ है। देखो बेहतरीन तेजी आई थी, गिरावट भी आई, बड़ी रफ्तार आई, गिरावट आई, और देखो जब भी गिरावट आती है तो भाई साहब वो 10-12% नहीं होती, वो उससे ज़्यादा की ही गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए पोटेंशियल रखती है, खरीदारी के मौके यहाँ पर कब बनेंगे उसको लेकर अगर बात करी जाए तो एक कमेंट्री यहाँ पर आई है। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक बैरिश यहाँ पर चार्ट इसका देखने को मिल रहा है 86 रुपीज़ के लेवल से, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक अगर आप देखो अ करेक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 23%, पुलिंग बैक अराउंड 66 रुपीज़ का जब लेवल आएगा, मतलब 30% का जब फॉल होगा, तब कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बन सकता है, ये कहना है एक्सपर्ट्स का। करंटली सुजलॉन इज ट्रेडिंग विथ अ लोकोमोटिव क्लाउड विच इज ऑफन यूज टू आइडेंटिफाई की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, और यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कंपनी को लेकर तो कहीं ना कहीं जो 66 रुपीज़ का मार्क है वहाँ पर कहीं ना कहीं पोटेंशियल सपोर्ट आ सकता है। अगर आप देखो तो यहाँ पर कंसर्न अबाउट ऑन गोइंग वीकनेस गिविंग द इंडिकेटर्स ऑफ द 66 लेवल कुड बी कंसिडर अ पोटेंशियल सपोर्ट एंड एंट्री पॉइंट फॉर अ न्यू पोजिशन, ये यहाँ पर कहना है। अगेन ये मेरा मानना नहीं है, ये इनका कहना है। कंपनी को लेकर अगर आप देखो तो एक अच्छी खबर थी अभी 4 दिन पहले, बेहद मतलब काफ़ी अच्छी खबर आई थी कि भैया सुजलॉन एनर्जी ने जिंदल रिन्यूएबल के साथ पार्टनर करा है फॉर 400 मेगावाट का जो कैप्टिव विंड पावर डील है उसको लेकर, लेकिन फिर भी तेज़ी नहीं आई थी, फिर भी तेज़ी नहीं थी। सुजलॉन ने भैया 400 मेगावाट का भैया ये ऑर्डर था यहाँ पर, कैप्टिव विंड पावर डील टू लीड डी कार्बोनाइजेशन ऑफ स्टील प्रोडक्शन, द कंपनी सेड इन एक्सचेंज फाइलिंग में ये चीज़ कही थी। द कंपनी हैज़ वॉन द सेड ऑफर फ्रॉम जिंदल रिन्यूएबल्स पावर, जिंदल रिन्यूएबल पावर इनको 400 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर मिला, ठीक है। लेकिन फिर भी हालांकि ये खबर जो है वो 3 दिन पुरानी है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कोई तेज़ी नहीं आई है। विद द न्यू ऑर्डर विन सुजलॉन का जो अभी ऑर्डर बुक है वो 5.4 गीगावाट्स का है, तो बहुत लगातार इनकी ऑर्डर बुक तो बढ़ रही है और ये एक अच्छी बात है, बुरी चीज़ नहीं है। और कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाएं तो देखिए कंपनी अभी भी अगर आप देखोगे तो इसका जो पी रेशियो वो महंगा है, 117 का है, सेक्टर पी 52 का है, 67% यहाँ पर कह रहे खरीदारी करो, और जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स के बारे में देखें तो अच्छे हैं, खास करके प्रॉफिट वाइज, क्योंकि कंपनी कर्जे से बाहर आ चुकी है। पहले क्या था कि इनका जो पैसा जितना कमाते थे उसका बहुत ज़्यादा पैसा जो था वो डेट को चुकाने में जा रहा था, अब वो नहीं जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात हो रही है इनके लिए, और यही वजह है कि इनके रेवेन्यू में उतना बड़ा ग्रोथ नहीं, लेकिन प्रॉफिट इनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी मैं यही उम्मीद करूँगा। अगर इनके प्रॉफिट इसी तरीके से बढ़ते रहे तो जो पी रेशो इनका महंगा देखने को मिल रहा है वो शायद एडजस्टेड भी हो जाएगा। शेयर होल्डिंग देखें तो इनकी होल्डिंग काफ़ी कम है प्रमोटर की, 13.27%, हालांकि पुरानी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, लेकिन अच्छी खासी क्वांटिटी में म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक और रेफरल्स यहाँ पर जरूर है और रेफरल्स लगातार खरीदारी यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखो तो 23.67% की, अदर पार्टी 32.87% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं, अभी ये जून की है, सितंबर की जब आएंगे तब बात करेंगे। मेरे हिसाब से सुजलॉन के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखो कंपनी जो है खराब नहीं है, लेकिन अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करें तो लगातार ये गिर रहा है, पहले कहीं किसी लेवल पर इसका रुकना जरूरी है, और जब ये रुकेगा तब जाकर खरीदारी के मौके बनेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि 60 और 65 का जो लेवल है वहां पर आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और एक और खबर एक और कंपनी को लेकर आई है, वो है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, एक अच्छी खबर आई यहाँ पर और 2.5% की तेजी आज देखने को मिल गई, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये गिर ही रहा था, और अगेन एक दिन की तेजी पर कितना भरोसा किया जा सके वो तो आप ही तय कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन की तेज़ी उससे पहले भी बनी थी, वापस गिर गया, एक दिन की तेज़ी बनी, फिर ये गिर गया, फिर एक दिन की तेज़ी आज बनी है, देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। लेकिन ग्राफ अगर आप देखो तो उतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ओला इलेक्ट्रिक की जो अच्छी खबर है वो यहाँ पर ये है कि इनका जो अक्टूबर महीने का जो डेटा आया है उसमें इनका जो मार्केट शेयर है वो 34% का हो गया है, और आपको ये समझना होगा कि क्यों हुआ है, क्योंकि अक्टूबर में इन्होंने ऐसा क्या किया, एक तो दिवाली सीजन था, दूसरा
भारी डिस्काउंट मिल रहे थे। पचास तो अगर आपको पता हो तो 50,000 से भी कम दाम पे इन्होंने ओला जो बॉश है उसकी बिक्री शुरू करी थी। ठीक है, आपको पता हो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम वाहन पोर्टल, कंपनी ने रजिस्टर करे हैं ओवर 15,672 व्हीकल एज ऑन अक्टूबर 14, जो कि 34% मार्केट शेयर है ये इस सेगमेंट का। और ये वजह ये है कि द सर्ज इन मार्केट शेयर हैज़ बिन फ्यूल्ड बाय द ओलाज S1 स्कूटर पोर्टफोलियो, जो कि रैपिडली ग्रो कर रहा है। और ये दिवाली ऑफर इन्होंने लाए थे, आपको पता हो तो दिवाली ऑफर ये लोग लेकर आए थे, जहाँ पर 49,999 में आपको ये इनका ओला S1 स्कूटर मिल रहा था, और उसके चलते था। ठीक है, कंपनी का एम था कि भैया ये जो मोमेंटम है फेस्टिवल का, इसको आगे भी बरकरार रखें। और ओला ने अपने कह सकते कि सर्विस पार्टनर वगैरह भी इन्होंने काफ़ी सारा करे हुए थे। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस कम था, उससे कहीं ना कहीं आया ज़रूर है। अब देखते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या करेगी, क्योंकि अभी भी इनके जो बड़े हाई लेवल के जो प्राइस है वो तो महंगे ही है। और अगेन मैं कहूँगा कि देखो, कंपनी डेफिनेटली आपको देखने में लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि ग्राफ अगर आप देखो तो लगातार डिक्लाइन वाला है। तो मैं यहाँ पर वेट करना मतलब ज़्यादा पसंद करूँगा जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता, और अगेन मैं IPO प्राइस पर आने का वेट कर रहा हूँ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तीसरी खबर आई है वो है रिलायंस को लेकर। रिलायंस से कल क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे और आज कोई दमखम नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बल्कि आधे परसेंट का फॉल ही देखने को मिला है, और जो नंबर आए थे वो एवरेज थे, उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नंबर नहीं थे इनके। और अगर आप देखो एक महीने का ग्राफ, तो रिलायंस में भी एक मेजर फॉल आया, 3,000 रुपये से गिर कर आया है ये। अभी कोशिश कर रहा है इस लेवल पर अटकने की। जहाँ तक एक साल का ग्राफ देखोगे तो सपोर्ट लेवल देखो तो 2,600 रुपये के आसपास एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। हालांकि 2,800 रुपये का सपोर्ट था वो टूट चुका है यहाँ पर। अब देखते हैं कि 2,600 रुपये अटकता है कि नहीं, लेकिन अगेन मैं लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये कंपनी पसंद है, ये बेचने वाला शेयर नहीं है, ये टाइम लेगा। ये बहुत ही, इस कंपनी में अगर आप खरीदारी करते हो तो आपको जो अप्रोच है वो अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि भाई सब यहाँ पे डबल हो जाएगा पैसा। नहीं, डिसेंट आप मतलब एक डिसेंट रिटर्न आपको देने का दमखम रखता है कि साल का 15% 16% का जो रिटर्न है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें, जिसके चलते आज यहाँ पर गिरावट आई है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है इनके, तकरीबन 4.8% का ईयर ऑन ईयर बेस पर डिक्लाइन आया ज़रूर है। इनके जो अलग अलग वर्टिकल्स हैं, जहाँ पर कुछ में तेज़ी है कुछ में गिरावट देखने को मिल रही है, अगर आप देखोगे तो कंपनी ने इस बार का जो प्रॉफिट हुआ है वो तकरीबन 15,140 करोड़ के आसपास का है, जो कि कम है, 5.5% कम है पिछले साल के मुकाबले, जो कि 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा था। कंपनी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इनका जो रिलायंस का जो बिजनेस है, इसमें जो जो रिलायंस मीडिया बिजनेस है वहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2.1% का ड्रॉप देखने को मिला है रेवेन्यू वाइज। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाईकॉम मीटिंग सब कुछ यहाँ पर शामिल है। और कंपनी अगर आप देखोगे यहाँ पर इनका जो ऑयल एंड गैस वाला सेगमेंट है, वहाँ पर भी 6% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है, ऑयल एंड गैस जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आता था इनका। ठीक है, लेकिन अगेन कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, जियो लेकर आए, ये आपको पता हो तो जियो लेकर आए, रिटेल लेकर आए। और यहाँ पर अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो इनका O2C का जो बिजनेस मतलब ऑयल टू केमिकल का जो बिजनेस है, वहाँ पर आपको 5.1% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर हम देखें तो ओवरऑल देखा जाए तो इनका जो परफॉर्मेंस है जनरली आज के टाइम पे, जो रिलायंस रिटेल की अगर हम बात करें तो वो डेफिनेटली वहाँ पर भी नए स्टोर्स इन्होंने ओपन करे हैं, तक इनके स्टोर्स तकरीबन 76,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहे हैं। और अगेन आरपूज भी अगर आप देखोगे इनका तो वो डेफिनेटली जियो का जो आरपूज है वो बढ़ ही रहा है, वो कम नहीं हो रहा, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। ओवरऑल जो नंबर्स है वो एवरेज है, और अगेन बोनस का एक और यहाँ पर लॉलीपॉप मिल चुका है सबको, और उसी के चलते कह सकते हैं कि मेजर फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है आने वाले टाइम में, बोनस आपको मिलने वाला है इस कंपनी में, जो कि अच्छी बात होगी। और देखो रिजल्ट्स की बारिश हो रही है, और आज के दिन भी अगर हम देखें तो बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। HDFC लाइफ का रिजल्ट आएगा, HDFC असेट मैनेजमेंट का रिजल्ट आने वाला है, KEC इंडस्ट्रीज का भी आने वाला है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र PVR रिलीज इंडिया का भी रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत सारी कंपनीज है जिसके आज रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं जिस कंपनी के लिए हूँ वो कहीं ना कहीं HDFC की दोनों कंपनियाँ हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और PVR है। और जैसे नंबर्स आएंगे मैं बातचीत जरूर करूँगा उसके बारे में। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करके बैठे हो आज के दिन में वो भी कमेंट में मतलब लिख कर जरूर बताइएगा। थैंक यू।